हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज होता है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसके वर्किंग स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, मेक द कोफिशियंट ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज वन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव दिखाई दे रहा होगा उसका कोफिशियंट आपको वन बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर विद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। मीन्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, इससे कंपेयर करके हमें आर की वैल्यू निकालनी है। पी और क्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, तो आर सिर्फ पता होना चाहिए, आर मतलब राइट साइड टर्म, तो ये हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका सीएफ फाइंड आउट करना है। फाइंड द सीएफ ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए सेकंड ऑर्डर की है तो सीएफ हमेशा दो कांस्टेंट आएंगे, तो मान लीजिए सीएफ हमारा ये आ गया सी वन यू प्लस सी टू वी, ठीक है। तो सी वन के इंटू में जो भी वैल्यू होगी वो यू की वैल्यू होगी, सी टू के इंटू में जो होगी वो वी की वैल्यू। तो हम सॉल्यूशन कंसिडर कर लेंगे इसका, वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। जस्ट सी वन और सी टू को ए और बी से रिप्लेस कर देना है सॉल्यूशन ये कंसिडर करते समय। यहाँ पर ए और बी क्या रहेंगे, ए एंड बी आर पैरामीटर्स, ए और बी पैरामीटर्स होंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, और बी की वैल्यू के लिए फार्मूला है माइनस आर यू इंटीग्रेशन माइनस आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। यहाँ डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में यू वी फंक्शन आएंगे, सेकेंड रो में यू डैश वी डैश इनके डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये जब हम W की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे और A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए बस हमें A की वैल्यू और B की वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट कर देना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हमने डिस्कस किया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट वन बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में जो भी इक्वेशन बनी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म इससे कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाली, आर मतलब राइट साइड टर्म। देन फिर हमें फाइंड करना है सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी हमारे पास गिवन, तो उसका सी एफ हमेशा सी वन यू प्लस सी टू वी की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर यू क्या रहेगा, जो सी वन का कोफिशेंट होगा, वी क्या रहेगा, जो सी टू का कोफिशेंट होगा। देन फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेट कर लेना होता है, वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। यहाँ ए क्या स्टैंड करेगा, जो ए सी वन के कोफिशेंट को रिप्लेस करके ए और सी टू के कोफिशेंट को रिप्रेजेंट सी टू को रिप्लेस करके बी से रिप्लेस करके सॉल्यूशन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ए और बी ध्यान रखिएगा क्या रहेंगे, पैरामीटर्स। ए को फाइंड करने का ये फार्मूला है ए इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन। बी को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। ध्यान रखिएगा गलती माइनस की होती है, ए की वैल्यू में माइनस है, बी की वैल्यू में माइनस नहीं है। ए की वैल्यू में ए के साथ, ए में आर के साथ वी है न्यूमरेटर में और बी में आर के साथ यू है। डब्ल्यू ध्यान रखिएगा क्या होता है, डिटरमिनेंट ये वाला जिसमें फर्स्ट रो में यू वी फंक्शन आएंगे, सेकंड में इनके डेरिवेटिव। यू और वी ध्यान रखिएगा कहाँ से पता लगेंगे, जो आपने सी एफ निकाला उसमें सी वन के इंटू में जो होगा वो यू, सी टू के इंटू में जो होगा वी। जैसे ही ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, हम इस इक्वेशन टू में जो सॉल्यूशन कंसिडर कर रहा था वाई बराबर ए यू प्लस बी, इसमें ए की और यू की वैल्यू रख देंगे, बी और वी की रख देंगे, हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, तो ये एग्जाम में मेंशन होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करना है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस मेथड से करें कैसे पता लगे। अब क्वेश्चन में मेंशन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसे सॉल्व करने के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2012 में आया हुआ है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने पहला स्टेप डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन वन होना चाहिए, तो ऑलरेडी वन है। नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से और आर निकाल लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन वन है, कंपेयरिंग वन विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो हमें जस्ट आर पहचानना होता है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी जो राइट साइड टर्म है, दैट इज ई टू द पावर थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप ये हमारा कंप्लीट हुआ, स्टेप टू कंप्लीट हुआ, स्टेप वन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नो नीड, ठीक है। स्टेप टू हमने ये लगाया कंपेयर करके,
अब स्टेप थ्री हम अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप थ्री के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, तीसरा स्टेप जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इसका CF निकालना है। CF निकालने के पहले गिवन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एस, कैसे लिखी जा सकती है, फिलहाल तो ये y डबल डैश माइनस सिक्स वाई डैश प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है। इसे हम लिख सकते हैं y डबल डैश को टू टाइम डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, माइनस सिक्स वाई डैश को वन टाइम डेरिवेटिव तो डी वाई लिख सकते हैं, प्लस नाइन वाई इक्वल टू ई टू दी पावर थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लें तो ये बना डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस नाइन इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी कॉन्स्टेंट क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आप लोगों को याद हो तो कॉन्स्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के इंटू में जो दिखाई दे यानी कि वाई के इंटू में वो भी कॉन्स्टेंट हो तो नाइन है, और डेरिवेटिव के इंटू में भी जो दिखाई दे वो कॉन्स्टेंट है सिक्स और वन, ये भी कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व करने का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, पहले सी एफ निकालते हैं और सी एफ के लिए चाहिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टेप जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, बस डी को एम से रिप्लेस करेंगे, एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस नाइन, और राइट साइड भले ही कुछ भी हो जीरो रख देंगे। एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये बनेगा हमारा एम माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एम की वैल्यू यहाँ से थ्री थ्री दो वैल्यू आएंगी, दोनों रियल हैं और रिपीटेड हैं, तो एक को एम वन बोलेंगे तो दूसरा भी वैल्यू क्या है सेम एम वन ही आ रही है। तो रियल एंड रिपीटेड रूट वाला केस बन गया, और इसके लिए हमने सी एफ का फार्मूला पढ़ा था सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर एम वन एक्स। तो ये आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स। तो ये हमारा सी एफ आ गया। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो सी एफ की फॉर्म बनती है सी एफ इज इक्वल टू आ जाता है सी वन ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स। और ये अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, कंपेयर कर लिया जाता है सी वन यू प्लस सी टू वी से, तो हमें यू की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर ई की पावर थ्री एक्स, और वी की वैल्यू मिल जाती है एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टेप के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, कंसिडर करेंगे इसका। तो स्टेप के अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन कंसिडर करा वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, यू हमारा ई की पावर थ्री एक्स था, वी हमारा एक्स ई की पावर थ्री एक्स था, तो ए यू प्लस बी वी से हमें इसका सोल्यूशन ये मिल जाता है। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, ए एंड बी आर पैरामीटर्स, ठीक है, गिवन बाय किस फार्मूले से निकलते हैं वो फार्मूला बताया था, कैपिटल ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है, और बी का फार्मूला क्या बताया था, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू, पर इसके लिए हमें W चाहिए होगा, और W मैंने बताया था W क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है यू वी यू डैश वी डैश, और U हमारा कितना आया था, U हमारा आया था e की पावर 3x, V था हमारा x e की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव e की पावर 3x का हम करेंगे तो 3 की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगी, तो पहले x का करते हैं 1 e की पावर 3x आ जाएगा, फिर इसका करेंगे तो 3x e की पावर 3x आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा भाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दोनों की इंटू करेंगे तो आ जाएगा e की पावर, इसकी इंटू हो जाएगी तो 3 ऐड हो जाएगी पावर तो 6x आ जाएगा, इसमें आएगा तो प्लस 3x e की पावर 6x आ जाएगा, माइनस इन दोनों की इंटू, तो इन दोनों की इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x e टू द पावर 6x। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल, बाकी e टू द पावर 6x रह जाएगा, दैट मींस ये w की वैल्यू हमारे पास आ जाती है e टू द पावर 6x। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस r, r हमारे क्वेश्चन में क्या था, r की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में थी e टू द पावर 3x अपॉन x स्क्वायर, और अपॉन w, w हो गया e टू द पावर 6x। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से सॉल्व करके यह आ जाएगा माइनस, हाँ यहाँ पर v की वैल्यू और आएगी, v हमने क्या कंसिडर करा था x e टू द पावर 3x, तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके e टू द पावर 6x से 6x कैंसिल, और ये माइनस का 1 अपॉन x प्लस c1 आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हम जानते क्या होता है, log x, तो ये माइनस का log x प्लस सी वन, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस लॉग एक्स प्लस सी वन।
ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालेंगे, बी के लिए ये फार्मूला है तो लगाते हैं इंटीग्रेशन आर यू। आर हमारा क्या था, ई टू दी पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू यू। यू हमारा क्या था, यू की वैल्यू थी ई टू दी पावर 3x अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू ई टू दी पावर 6x आई थी हमारी प्लस सी टू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई टू दी पावर 6x 3x 3x 6x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो बचता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी टू। इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो हमें वैल्यू मिलती है माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी टू, ये बी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरीके से बी इक्वल टू हमें मिला माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी टू। अब इसको हम इक्वेशन टू में यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमने ये कंसिडर करा था तो इसमें पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यूजिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्या फार्मूला होता है, y इक्वल टू ए टू दी पावर 3x, ये इक्वेशन टू थी हमारी, प्लस बी एक्स ई टू दी पावर 3x। तो a की और b की वैल्यू रख देते हैं, तो a हमारा क्या था माइनस log x प्लस सी वन, और ई टू दी पावर 3x ऑलरेडी है, प्लस b की वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर 3x। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई अगर हम कर लें या ई की पावर 3x कॉमन ले लें, टोटल में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा आता है ई की पावर 3x कॉमन लेने पर सी वन प्लस सी टू एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस log x और माइनस 1 बाई एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 बाई एक्स नहीं, यहाँ पर x की इंटू होगी तो 1 आ जाएगा माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स टू द होल पावर माइनस 2। 2014 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो जो हमारा स्टेप 1 था उसके अकॉर्डिंग कोफिशियंट सेकेंड ऑर्डर का 1 होना चाहिए, तो 1 ऑलरेडी है, तो स्टेप 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड। ठीक है, स्टेप टू हमने क्या डिस्कस किया था, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कंपेयर कर देना है, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो हमें जस्ट आर चाहिए होगा यहाँ पर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन इन टू द पावर एक्स का पावर माइनस 2, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद या इसे हम सिंप्लीफाई करके ई टू दी पावर एक्स सिंप्लीफाई अगर हम करें एलसीएम लेकर, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ई टू दी पावर 2x आ जाएगा अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 3 में हमने डिस्कस किया था इसका सी एफ निकालना होता है। तो गिवन इक्वेशन को हम, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटर्न एज कैसे लिखी जा सकती है, इसको हम लिख सकते हैं इसके डेरिवेटिव ऑपरेटर की जगह कैपिटल डी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, और राइट साइड हमारी ये थी ई टू द पावर 2x अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखें तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हम सी एफ निकालना चाह रहे हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी, डी को एम से रिप्लेस करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस 1 और प्लस 1, दोनों ही रियल हैं और डिफरेंट हैं, तो एक को m1 और एक को m2 बोल देते हैं। तो हमारा जो सी एफ आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, सी वन ई टू दी पावर, फार्मूला क्या होता है सी एफ का, m1x प्लस सी टू ई टू दी पावर m2x अगर रियल एंड डिफरेंट रूट है। तो यहाँ पर सी एफ हो जाएगा सी वन ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर प्लस एक्स। अब इस सी एफ को अगर हम कंपेयर करें किससे, ए यू प्लस वो, इसको कंपेयर कर लेते हैं सी वन यू प्लस सी टू वी से, तो हमें यू की वैल्यू दिख जाती है कितना, ई की पावर माइनस एक्स, और वी की वैल्यू हमारी हो जाएगी ई की पावर एक्स। स्टेप में ही कहा गया था कि नेक्स्ट स्टेप में हमें इसी के अंदर कंसिडर करना होता है, लेट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू ए यू प्लस वी वी, और ए यू हमारा है ई की पावर माइनस एक्स और v हमारा है e की पावर x। तो ये हमने सॉल्यूशन कंसिडर किया a e टू द पावर माइनस x प्लस b e टू द पावर x,
इक्वेशन टू हो गई, वन हमें क्वेश्चन में जो गिवन थी वो इक्वेशन। अब इसमें ए और बी क्या होते हैं, वेयर ए एंड बी आर क्या होते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, इन पैरामीटर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए पर फाइंड करने के लिए पहले हमें डब्लू चाहिए होता है। तो डब्लू क्या फार्मूला होता है, यू वी यू डैश वी डैश। तो यू हमारा क्या है यहाँ पर, ई की पावर माइनस एक्स। वी क्या है, ई की पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ए की पावर जीरो प्लस ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो वन होगा तो वन प्लस वन यानी कि कितना आ जाएगा टू। दैट मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू हमें टू मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसमें ए निकालना है। तो ए का फार्मूला क्या बताया था हमने, माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी। तो माइनस आर, आर हमारा क्या था क्वेश्चन में, ई टू द पावर टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वी, वी की वैल्यू हमारी थी ई टू द पावर एक्स अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा कितना है यहाँ पर टू डी एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ से हमारा ये जो इंटीग्रेशन बनता है ये बना। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो यही थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमने बताया हुआ है कि जो इंटीग्रेशन आसानी से वही कर सकता है जो इंटीग्रेशन के अंदर से डिफरेंशिएशन ढूंढ सकता हो कि किस को टी माने और डिफरेंशिएशन इनटू में बन जाए और इंटीग्रल आसान हो जाए। तो हमें दिख रहा है ये ई की पावर एक्स प्लस वन को टी माने तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है जो ऊपर बन रहा है, तो इसी को हम टी ले लेते हैं। ई की पावर एक्स प्लस वन को कंसिडर करते हैं टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स किसका काम करेगा, डी टी का। यानी कि ये टोटल टर्म काम करेगा किसका, डी टी का। और नीचे ये जो वैल्यू है इसको टी माना है तो ये बनेगा हमारा टी स्क्वायर। और ई की पावर टू एक्स को ई की पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ई की पावर एक्स हमारा यहाँ से बनेगा, ई की पावर एक्स की वैल्यू निकाले तो बनेगी टी माइनस वन, तो ये टी माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अगर हम होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा जाएगा, और टू ऑलरेडी एक वन बाई टू बाहर चल रहा था तो वन बाई टू माइनस का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। इसको अगर हम सेपरेटली एक एक के डिवाइड में ले जाएं टी को तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है वन माइनस टू अपॉन टी माइनस टी की पावर माइनस टू डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, वन अपॉन टी का लॉग टी, और टी की पावर माइनस टू का हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको फिर हम टी को वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देते हैं, टी किसे कंसीडर करा था हमने, वन प्लस ई की पावर एक्स को, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस वन बाई टू वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस लॉग वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस वन बाई टू वन प्लस ई की पावर एक्स का पावर माइनस वन। ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके ए की आ जाती है। अब हम बी सॉल्व, तो यहाँ पर बी की वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से। बी का फार्मूला था आर यू अपॉन डब्ल्यू का इंटीगेशन डी एक्स प्लस सी टू। अब आर वह हमारा था ई की पावर टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, और यू ई की पावर माइनस एक्स था वो वैल्यू रख दी, डब्ल्यू की वैल्यू टू थी तो इन दोनों की इंटू करेंगे तो पावर टू एक्स माइनस एक्स एक्स रह जाएगी। सॉल्व करके ये आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में दिक्कत है तो मैंने बताया था भाई इंटीग्रेशन वो आसानी से कर सकता है जो ये पहचान सकता हो कि किसे टी माने तो उसका डिफरेंशिएशन इनटू में बन जाए। तो अगर हम देखें तो ये वाले हिस्से को अगर हम टी माने ई की पावर एक्स प्लस वन को, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर ई की पावर एक्स इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स डी एक्स और टी का डी टी, तो ये पार्ट हमारा ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, यानी कि जिसको टी माना उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन अब बन जाएगा, ये टोटल डी टी का काम करेगा और ये टोटल टी का प्लस सी टू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा माइनस वन बाई टू टी प्लस सी टू। ठीक है स्टूडेंट, और टी की वैल्यू हमने जो मानी थी, टी क्या माना था ई की पावर एक्स प्लस वन, वो रिप्लेस कर देंगे तो बी आ जाएगा माइनस का वन बाई टू ई वन प्लस ई टू दी पावर एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी टू, ये हमारा बी आ गया। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन स्टेप फोर फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यूजिंग गिवन बाय पुटिंग ए एंड बी इनटू इक्वेशन।
तो जैसे टू में हमने रख दिया तो y इज इक्वल टू हमारा आएगा सॉल्व करके ये सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस वन प्लस ई की पावर एक्स की पावर माइनस वन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू माइनस वन बाय टू ई की पावर माइनस एक्स वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर एक्स, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम साइन हाइपरबोलिक एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके की अच्छी वीडियो के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर अगर चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रहिएगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।